नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 10 मई, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर, पहलवानों का प्रदर्शन लगातार आज 16वें दिन भी जारी। किसानों के जंतर मंतर के समर्थन में ऐलान, 11 तारीख को फूंका जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला। बड़ी पैमाने पर खाप पंचायतों ने किया दिल्ली कूच। दूसरी बड़ी अपडेट, आज कर्नाटका में डाले जाएंगे मतदान। मतदान से पहले ट्रेंड हुआ ईवीएम। कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी से लेकर कईयों ने ट्वीट करके कहा मतदान की करी अपील। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई, 224 विधानसभा सीट में 150 प्लस के साथ बनने जा रही कांग्रेस पार्टी की सरकार। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने किया सरकार में धमाकेदार वापसी, बताएंगे कितनी पार्टियों ने दिया है समर्थन। समाजवादी पार्टी से लेकर के कपिल सिब्बल से लेकर के खास करके महाराष्ट्र में और ममता बनर्जी ने कांग्रेस के समर्थन में कैसे वोट करने की अपील की। और इस सब के बीच पाकिस्तान की सेना के अधिकारी पर लगाए थे गंभीर आरोप, इमरान खान हुए गिरफ्तार। द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बंगाल में बैन हटाने की करेंगी मांग, ये भी हम आपको बताएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल, कई जगहों पर आगजनी। मणिपुर में सेना की कड़ी निगरानी, 11 जिलों में दी गई कर्फ्यू में ढील, बताएंगे आखिर क्या है हालात बेकाबू। मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई है और मुश्किल में लोग हैं, पेट्रोल से लेकर के डीजल तक, सारे गैस से लेकर तमाम चीज़ें के बढ़ गए हैं दाम, खाने पीने चीज़ों में लगी लंबी लाइनें, ये भी हम आपको बताएंगे। जंतर मंतर पर क्या है पूरे हालात। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, खास करके प्रियंका गांधी हैदराबाद में कैसे चैलेंज किया है केसीआर को, वो भी बताएंगे। इस बीच एनसीबी ने सबसे बड़ी कार्रवाई, आर्यन खान केस की जांच करने वाले अधिकारियों को किया बर्खास्त। बॉलीवुड से जुड़े हैं कई केस के कर रहे जांच, तो ये भी हम आपको बताएंगे किस में कार्रवाई हुई एनसीबी अधिकारियों को, ये भी जानना जरूरी है। तो एक करके विस्तार से कर्नाटका से लेकर के पीआईए एनआईए तक खबरें निकल के आई हैं। वहीं अडानी से लेकर के यूपी में मोदी योगी सरकार तक सब कुछ खबरें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं 2024 में बदविदाई और कर्नाटका में आज सफाई के लिए होगा कांग्रेस के समर्थन में मतदान, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, किसानों ने जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में फिर से भरी हुंकार। का 16वें दिन जारी रहा प्रदर्शन का, 11 तारीख को फूंक देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला। देश भर में विरोध, हरियाणा से लेकर के पंजाब से लेकर पश्चिमी यूपी तक, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के तमाम जगहों पर जंतर मंतर में किए कूच। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगातार तैयारी और हलचल देखने को मिल रही है। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहलवानों के धरने का 17वां दिन है। किसानों और खापों से जुड़ने के बाद प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने लगी है। प्रदर्शनकारी पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को यह पद से हटाने और इनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। जंतर मंतर पर जुड़ रही भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी पूरी सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने धरनास्थल पर आने वाली भीड़ को एक ही स्थान तक सीमित रखने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जैसी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक जंतर मंतर पर लगे पुलिस बैरिकेड्स को बोल्डिंग के जरिए आपस में जोड़ करके मजबूत कर दिया था, लेकिन कल किसानों ने पहुंचकर पूरी तरीके से उग्र ऐलान कर दिया। और 16वें दिन जहां किसान पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा, किसानों ने भी ऐलान किया और पहलवानों ने भी ऐलान किया है कि हम किसी की भी कीमत पर सहेंगे नहीं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 11 तारीख को देश भर में ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंका जाएगा। पहलवानों ने कहा जब तक हमारी मांग सुनी नहीं जाती तब तक हम विरोध जारी रहेंगे गिरफ्तारी तक। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर, ईवीएम आखिर हुआ ट्रेंड। दरअसल आज बता दें आपको, 224 विधानसभा सीटों में डाले जाएंगे मतदान। कर्नाटक में बुधवार सुबह शाम 7 बजे सभी 224 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे के मतदान कराया जाएगा, नतीजे 13 मई घोषित किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म हो गया था और आज से लगातार जो मतदान शुरू होने वाला है, लेकिन मतदान से ठीक पहले जो है वो ट्विटर पर ईवीएम ट्रेंड हो गया। दरअसल कई लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी की जितनी जनसैलाब थी, जो जुनून था, जो आंधी थी, अगर वो सच में परिवर्तित होती दिखा तो पूरी तरीके से जनसैलाब ही नहीं बल्कि कर्नाटका में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ईवीएम आ गया तो फिर ईवीएम वाली सरकार बनेगी, यानी इसी तरीके से बीजेपी की अगर सरकार बनती भी है तो वो ईवीएम वाली सरकार होगी। सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम वाली सरकार होगी कर्नाटका में या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अगर बनने जा रही है तो 150+ सीटों के साथ अगर आप बनाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सुझाव दें। अगली और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों विग ब्रेकिंग, द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। बंगाल में हटाने बैन की करेंगे मांग, केरला स्टोरी को लेकर कई राज्यों में पश्चिम बंगाल तमिलनाडु समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। दरअसल केरला स्टोरी के लगातार विरोध हो रहा है। इस बीच आपको बता दें एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाहन ने
निर्माता को सरेआम फांसी देने की मांग की है। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर जिस तरीके से गलत चीज़ें और भड़काऊ चीज़ें दिखाई गई हैं, इस पूरे मामले में जो है वो इसका जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाहन ने तो सीधा प्रोड्यूसर को फांसी देने की तक की मांग कर दी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने बैन लगा दी है। तमिलनाडु में बैन लग गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगे बैन को हटाने के लिए द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर दिए हैं। तो केरला स्टोरी के लगातार बवाल मचा हुआ है। अगले को अपडेट मणिपुर से निकल के, मणिपुर में बड़ी खबर, जहां महंगाई से चरम सीमा। दंगे के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुश्किल में लोग पेट्रोल 200 रुपए लीटर, खाने पीने की चीजों में लंबी लाइनें। मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंचोट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला की पीठ मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश चुनौती देने वाली आज क्या सुनवाई करेगी। अर्जी में हिंसाग्रस्त इलाकों में बेघर हुए मतई जनजाति के लोगों ने पुनर्वास के लिए समुचित इंतजाम करने का आदेश भी जारी कर दिया है। अब हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, वहाँ महंगाई चरम पे, पेट्रोल 200 रुपए लीटर, खाने पीने की चीज़ें लंबी लाइनें लग गई हैं, तो हालात वहाँ पे बेहद खराब हो चुके हैं। मणिपुर में सेना की कार्रवाई हुई है, 11 जिलों में कर्फ्यू में ढील है, हालात खराब है। मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है, सिचुएशन काफी खराब बताई जा रही है। फिलहाल कॉमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देकर और अपडेट। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश यादव की रैली में जेपीसी लाना पड़ गया है, भारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हो चुका है मुकदमा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रोड शो में जेसीबी शामिल करने के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने टीसीआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। यह मुकदमा समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद खोसी और जेपीसी चालक के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मुकदमा टीसीआई द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें कहा गया है कि रोड शो की अनुमति समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी द्वारा लगाया गया था। अगर अनुमति के विपरीत रोड शो में ट्रैक्टर और जेसीबी शामिल होता है या पूरी तरह से लापरवाही है और ऐसे में दुर्घटना हो सकती थी, और इसी कारण लास्ट दिन यानी कि नगर निगम चुनाव का अंतिम दिन था प्रचार का, 11 मई को चुनाव होना है। ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ मुखिया, आप तो बताते चलें, अब्दुल हमीद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, साथ ही जेसीबी चालक के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। दरअसल इस बार प्रचार में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए अखिलेश यादव ने अपनी जन रैली में। आपको बताते चलें कि जेसीबी से प्रचार कर रहे थे और एफआईआर दर्ज हो चुका है। इसी के साथ चलते अगले एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। भाजपा कांग्रेस नेताओं को चुनाव आयोग द्वारा मिल गया है नोटिस, लगातार विज्ञापन से हो रहा था प्रचार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कर्नाटक में 10 मई यानी आज को विधानसभा चुनाव है, 224 सीटों पर वोटिंग हो रही है, दो दिन बाद यानी 13 मई को रिजल्ट भी आने वाला है। 8 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका ने प्रचार आखिरी दिन तक रैली शो किया था और रोड शो को संबोधित भी किया था। वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7 मई तक आखिरी रैली की थी। वहीं आपको बताते चलें कि इसमें सांप, बजरंग दल और तरह तरह के बजरंग बली को लेकर बयानबाजियां हुई हैं, जिसको लेकर सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा सवालों जवाबों में घिरे थे। अब वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां आपको बताते चले चुनाव आयोग ने कड़े लहजे में बताया है कि किसी भी तरह से अब प्रचार ना होना चाहिए, किसी भी तरह से विज्ञापन ना कराया जाए, नहीं तो राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ चलाए गए विज्ञापनों को लेकर भाजपा कर्नाटक स्टेट सिक्योरिटी केशव प्रसाद के शिकायत दर्ज कराई है। केशव प्रसाद का कहना है कि कांग्रेस ने 5 मई के अखबारों में ऐसे एड्स छपवाए थे जिससे सांप्रदायिक हिंसा हुआ कि भाजपा को और भाजपा की छवि ज्यादा खराब हुई थी, और इस मामले पर चुनाव आयोग सख्त है। उन्होंने कड़े लहजे में बताया ऐसे विज्ञापनों को ना छपवाया जाए जिससे समाज में किसी पार्टी को लेकर भेदभाव उत्पन्न हो। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है एनसीबी ने आर्यन खान के केस की फिर से करने वाली है जांच, लगातार बॉलीवुड से जुड़े कई केसों का होने वाला है खुलासा। बड़ी खबर है, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच करने वाले, आपको बता दें चले कि नैरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के एक अधिकारी ने बीबी सिंह को सेवा से हटा दिया गया। हालांकि एनसीबी सूत्रों का कहना है कि उनके निष्कासन का सन 2021 के सनसनीखेज मामले में लेने देने पर हुआ है। न्यूज एजेंसी की माने तो सूत्रों में कहा जा रहा है कि बीबी सिंह का निष्कासन उस मामले में संबंधित है जिसमें दिल्ली जोन में एक बड़ी कार्रवाई किया गया, न कि आर्यन खान के मामले से बीबी सिंह को निष्कासित किया गया। बीके सिंह मुंबई एनसीबी में अपनी पोस्टिंग के दौरान बॉलीवुड से संबंधित कई बड़ी प्रोफाइलों को संभाल रहे थे और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े केस भी चलने लगे, और इसी केस में अब आपको बताते चले कि एनसीबी के आर्यन खान के केस से जुड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब नए अधिकारी द्वारा आर्यन खान ड्रग्स मामले में
जांच होने जा रही है। वहीं बॉलीवुड से और कई जुड़े केसों का खुलासा हो सकता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बताते चले बड़ी खबर है, कर्नाटक में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, कर दिया है धारीवाला ने बड़ा दावा। बड़ी खबर है, यूडीएस मंत्री शांति धारीवाला कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, बीजेपी भले ही कितना भी जोर पटक ले लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है और पत्थर की लकीर साबित होती जा रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने वाली। वहीं राजस्थान को लेकर भी बड़ा दावा खेल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कर्नाटक में सेंधमारी की है, इसी तरह से अब राजस्थान में भी सेंधमारी करने वाले, यानी अपने जीत को फिर से दोहराएंगे। शांति धारीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पल भर में कर दिया है उसे भाजपा अपनी दो राजनीतिक दशक में नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कर्नाटक में बीजेपी का तख्ता पलट होना तय है। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पीएफआई के खिलाफ एनआई ने तमिलनाडु में कर दी है छापेमारी, 5 लोग हुए गिरफ्तार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय अभिकरण यानी एनआई ने मंगलवार को तमिलनाडु के 6 स्थानों पर छापेमारी की, जहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी, उन्होंने बताया कि चेन्नई, मदुरई और डिंगुल और अन्य थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई थी। एनआई के एक प्रवक्ता का कहना है कि इस गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में पिछले साल दर्ज आपराधिक साजिश मामले में पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले साल ऐसे केस में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चेन्नई के अब्दुल रज्जक और मुनैर के वकील मोहम्मद यूसुफ और वकील मोहम्मद अब्बास के रूप में किया गया। प्रवक्ता के अनुसार आरोपी की संपत्तियों की तलाशी ली गई, जिसमें जिम्मेदार ठहराया गया और या पूरी तरह से अवैध रूप से संपत्ति और कुछ बहुत ज़्यादा कैश बरामद हुए, जिसमें छापेमारी के तहत इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं, बड़ी खबर है, एक बार फिर अडानी के शेयर्स में हो गई शॉर्ट सर्किट, फिर से भरा के गिर पड़े हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पिछले सप्ताह से ही फिर से बिकवाली से जूझ रहे अडानी समूह के शेयर्स में एक बार फिर से आग लग गई है। कल यानी मंगलवार को फिर से एक बार करारा झटका लगा, हफ्ता के दूसरे दिन भी कारोबार को समाप्त होता देखा जा सकता है। ज्यादातर शेयर में घाटे लगते नजर आ रहे हैं। वहीं अडानी समूह के एक शेयर्स में जोरदार झटका लगा, जानो मानो शॉर्ट सर्किट हो गई हो। अडानी समूह के शेयर्स में पिछले सप्ताह जारी गिरावट को देखते हुए ट्रेड सोमवार को बरकरार रहा, लेकिन मंगलवार शाम को एक बार फिर 10% गिरावट के साथ धड़ाम से गिर पड़ा। सप्ताह के दूसरे दिन एक करारा झटका लगा है अडानी समूह को। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चले, कर्नाटक का सर्वे आने के बाद दिल दहला दिया है सभी लोगों का, बड़ी जीत के साथ इस बार कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार। लेकिन ईवीएम को लेकर बार बार कई बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं सर्वे की बात की जाए तो सर्वे ने पूरी तरह से नींद हराम कर दी है बीजेपी की, साथ में पीएम मोदी की, यानी पीएम की सारी रैलियों पर पानी फिर चुका है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होना, यानी आज मतदान जारी है, 5 बजे तक मतदान होने वाला है और इसी बीच 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव है। जहां देखा जाए तो 224 सीटों पर केवल और केवल अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 150+ सीटें उनके सर्वे में जा रहा है। भले ही प्रचार खत्म हो गया हो, लेकिन अगर सर्वे की बात की जाए या पोल एजेंसियों की बात की जाए तो बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और पीएम मोदी की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि सारे सर्वे केवल और केवल कांग्रेस के खेमे में जा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी द्वारा कराए गए सर्वे में भी बीजेपी को केवल और केवल 8 सीटें मिल रही थी, जहां कांग्रेस को 115 से 20 सीटें मिलती नजर आ रही थी। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म बैन हुई, बीजेपी ने कर दिया विरोध, पीएम मोदी की भी बीबीसी को करो पब्लिश। बड़ी खबर निकल के आ रही, ममता बनर्जी ने तंज कस दिया है। बड़ी खबर है, बीते सप्ताह रिलीज हुई केरल में धर्मांतरण को लेकर फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और यहां तक कि केरल में भी बैन होने की खबर आ रही है। लेकिन इसी बीच अब इसमें फिर से राजनीति होनी शुरू हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री इसको लगातार प्रमोट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसे प्रमोट करने के लिए आ गए हैं। और इसी का पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतना शौक है द केरला स्टोरी फिल्म को देखने का, तो हमें भी पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को देखना है, उसे भी पब्लिश किया जाए। उसे देश भर में क्यों बैन किया गया? अगर वह सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकता था तो द केरला स्टोरी फिल्म भी सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहा है, तो ऐसे में इस फिल्म को भी बैन करना चाहिए। आपको बताते चले कि अब द केरला स्टोरी फिल्म पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यानी कि इसके प्रोड्यूसर को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है।
मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, फांसी की सजा हो, बड़ी खबर है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। गुजरात में 40,000 महिलाएं कहां गई, आखिर लड़कियां कहां गायब हो चुकी हैं, सामना ने उठा दिए हैं कई बड़े सवाल। NCBR के रिपोर्ट ने कर दिए हैं मोदी और अमित शाह के खुलासे, सारी पोल खोल कर रख दी है। सामना संप्रदाय के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र में गायब हो रही लड़कियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सामना संप्रदाय ने लिखा है कि पिछले 5 सालों में गुजरात में 40,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हो चुकी हैं। आखिर गुजरात जैसे राज्य में जिसे एक मॉडल यानी कि देश का मॉडल माना जाता है विकास के लिए, वहां से इतनी ज़्यादा लड़कियों महिलाएं गायब हो रही, जहां पर लगातार BJP का शासन रहा है और इसके जरिए यह पूरी तरह से यह पोल खोल दी है गुजरात की, जहां पर BJP को सत्ता में न रहने का एक बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है। जब वो एक राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो किस तरह से माने कि वो देश को संभाल पाएंगे। अभी तक आपको जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट आने के बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, यानी कि 40,000 महिलाएं में 4 भी ना मिल पाई। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर भी बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री एक लापरवाह प्रधानमंत्री रहे? आप जानते होंगे कि इससे पहले मुख्यमंत्री गुजरात के केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी थे, जबकि वहां के मुख्यमंत्री होने के बाद भी इसको ना रोक पाए, तो किस तरह से वो देश को संभाल सकते हैं? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आपको भी लगता है कि बदलाव की लहर दौड़ रही है, अगर अगले भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर अपना समर्थन देना। मिलते रहेंगे ऐसी बड़ी खबरों के साथ और सारी पोल खुलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।